Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is going to be my first video, and this video is about my mains result 2022. और काफ़ी लेट हो गया है रिज़ल्ट के बारे में बताने में, बट द थिंग वॉज दैट कि रिज़ल्ट वॉज नॉट इन माई फेवर, सो दैट्स वाई आई टुक माई टाइम टू यू नो रीगेन माई सेल्फ एंड देन कम एंड tell you guys about my result. So I want to tell you ki how I'll get to know my result. मैं अपने friends के साथ बाहर ही गया हुआ था, and then suddenly one of my friend told me कि भाई result आ गया है और देख ले अपना तू roll number. So उस time पर मैं बाहर था और मेरे को roll number का याद नहीं था, मतलब exact कि हाँ roll number क्या है, but लकीली मेरे फ्रेंड को पता था कि हाँ रोल नंबर क्या है, एंड ही चेक इट आउट डायरेक्टली. उसने रोल नंबर डाल के चेक कर लिया, एंड आई कुडेंट क्लियर दैट एग्ज़ाम. सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट, कि फिर मैंने खुद भी चेक किया कि हो सकता है कि कहीं उससे कुछ मिस्टेक हो गई हो और कुछ डिजिट उसने गलत टाइप कर दिया. ऑल दो आई नो कि मतलब वो जो बता रहा था वो सही बता रहा था, बट वो होता है ना कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट रिजल्ट बिकॉज इट्स नॉट इन योर फेवर. सो आई डिड चेक बाय माई सेल्फ और रिजल्ट तो वही था. समवेयर डीप डाउन आई नो दैट कि हाँ क्लियर नहीं हुआ है, एंड उसके बाद इट वॉज आई डोंट नो, मतलब शायद इट वॉज सैड, इट वॉज टोटल हार्ट, I was total heartbroken, you know. और फिर कुछ टाइम के लिए मेरे को लगा कि जस्ट आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन, और सॉरी. तो उसके बाद उस दिन तो आई डिडेंट टेल माई पेरेंट्स, बट नेक्स्ट डे आई टोल्ड देम कि दैट आई कुडेंट क्लियर इट, बट इट वॉज प्रीटी ओके विद दैम. ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ कहा या फिर मतलब दे वर कंसर्न्ड अबाउट मी, कि बस उन्होंने यही बोला कि हाँ निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अगर अपना 100% दिया है और उसके बाद रिज़ल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आता देन इट्स ओके. और ये चीज़ तो है कि फिर आफ्टर फ्यू डेज ना, व्हेन आई वाज डूइंग नथिंग एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट, देन आई रियलाइज वन थिंग कि लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है ना. मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा ही. तो सक्सेसेस और फेलियर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू मी दे आर पार्ट ऑफ दिस जर्नी, क्योंकि बहुत कंपटीशन हाई है और जहाँ पे 99% चांसेस इस बात के हैं कि आपका नहीं होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा श्योर ये हो जाता है कि आपका नहीं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. लेकिन उसके बाद भी होप तो रहती है कि यू प्रिपेयर्ड रियली हार्ड, यू डिड वट एवर रिक्वायर्ड, बट स्टिल यू कुडेंट क्लियर दैट एग्ज़ाम. सो होप रहती है, बट ठीक है, आई एक्सेप्टेड दैट रिज़ल्ट एंड आई रियलाइज माई मिस्टेक्स. और अब मुझे पता है कि इन नेक्स्ट अटैम्प्ट I have to give my 200% if I want to clear that exam. जितना किया था उससे ज़्यादा की ज़रूरत है, I guess. That's why I couldn't clear it. और एक बहुत अच्छी बात है, I have heard from विकास दिव्यकीर्ति सर, कि उनकी एक बात, उनकी ये वाली बात कि क्यों सोचे कि कल ऐसा एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बट इट्स समथिंग लाइक कि क्यों सोचे कि क्या होगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा होगा. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन माई लाइफ कि इट्स ओके इफ़ यू डिडेंट गेट वॉट यू वॉन्टेड, बट यू बट मेंस देने के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, काफ़ी अपने मिस्टेक्स पता चली, स्ट्रेंथ्स पता चली, और इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस, आई विल से दैट. सो या दैट वॉज माई रिज़ल्ट कि नहीं हुआ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि
it's kind of a late to post this video because I was just, you know, in that phase ki I was dealing with my mains result. So yeah, that's okay. Thank you for listening.